कार फाइनेंसिंग और लीज़ पर गाड़ियाँ लेने के हवाले से बहुत दफ़ा मुझसे ये सवाल किया जाता है कि कुरान और हदीस के हवाले से इसका शरई तसव्वुर और कॉन्सेप्ट क्या है। आगे बात करने से पहले मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि आज ये गाड़ियों को लीज़ पर ख़रीदने के पीछे बुनियादी तौर पर मुतहर्रिक जो है वो शहवात, खुब शहवात का तसव्वुर, जो अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह आल इमरान में फ़रमाया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। के अल्लाह ने फ़रमाया कि मैंने दिल पसंद चीज़ें, ये दुनिया की जो अट्रैक्टिव टेम्प्टिंग चीज़ें हैं जो निगाहों को खीरा कर देती हैं, उनको मैंने बहुत टेम्प्टिंग बना दिया। उसमें औरतें हैं, औलाद है, सोने चांदी के ढेर हैं और खैलिल मुसव्वमा निशान ज़दा घोड़े और जानवर और खेतियाँ। निशान ज़दा घोड़े उस दौर के लिए उनकी सवारियाँ थीं और आज भी निशान ज़दा गाड़ियाँ, वो मोनोग्राम्स वाली गाड़ियाँ जो हैं वो वाकई बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग और अट्रैक्टिव हैं। हर एक शख्स का दिल कि मैं बेहतर से बेहतर गाड़ी पर सवार हूँ और मेरी गाड़ी सबसे बेहतर हो। ये आज जैसे अल्लाह ने सूरह तकासुर में फ़रमाया, अल्हाक मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मुकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। ये एक तकासुर है, ये एक रैट रेस है कि एक शख्स के पास पहले 1300 सीसी की गाड़ी है और वो कल्टस है और वो चलती है, फिर उसका दिल करता है कि मेरे पास एक करोला हो, और करोला होती है तो फिर दिल करता है कि एक ऑडी ले लूँ और फिर ऑडी ले लूँ, और तो उसके बाद एक क्रूज़र पे जाके निगाह टिकती है। तो ये खूब से खूबतर की तलाश, ये तकासुर जो है इसमें रिया, दिखावा, इसराफ और नमूदो नुमाइश का तसव्वुर बहरहाल अगर मौजूद है तो उसमें हमें अपना महासपा ज़रूर करना है। बहरहाल हमारा दीन बहुत प्रैक्टिकल है और जायज़ ज़रूरतों को नहीं रोकता, और अगर कोई शख्स अफोर्ड करता है तो अपने कंफर्ट और अपनी सहूलत और अपनी आसानी और अपनी ज़रूरत के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं, रखी जा सकती हैं, और दौरे हाजिर या उस दौर के साइंटिफिक इर्तका के मुताबिक जो चीज़ें मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करने से दीन मना नहीं करता। और बहरहाल इसराफ और तबज़ीर जो है वो अल्लाह की मोहब्बत से महरूम कर देने वाले रवैये हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जैसे, और ये भी मैं ज़रूरी कहूँगी कि आज के दौर में एक से ज़ायद गाड़ी घर में ज़रूरत भी बनती जा रही है, इतना तेज़ी से चलने वाला दौर है, डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा हैं, कम्यूट करना है, टाइम सेव करना है, तो एक से ज़्यादा गाड़ी भी ज़रूरत बनती जा रही है। और बसा औकात एक तबका जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र नहीं भी कर सकता क्योंकि वक्त बचाना है। तो ऐसी हालतों में हमें सबसे पहले तो ख्वाहिश, ज़रूरत और लालच के हवाले से और तकासुर के हवाले से हमें अपने दिलों का महासपा करना ज़रूरी है। उसके बाद जहाँ तक लीजिंग के हवाले से बात है, वो मैं ज़रूर वाज़े करना चाहूँगी कि जब गाड़ी लीज़ पर या किस्तों पर ली जाती है तो उसमें लीज़ पर देने वाला बैंक जो है वो गाड़ी की जो एक्चुअल मार्केट प्राइस होती है, जो उसकी असल कीमत होती है, उससे जब वो किस्तों पर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगी और बहुत ज़्यादा कीमत पर देते हैं। यानी इंस्टॉलमेंट्स और किस्तें जब बनाई जाती हैं तो एक्चुअल कीमत से बहुत ज़्यादा कीमत बैंक वसूल करता है। और बुनियादी तौर पर तो अक्सर उलमा के नज़दीक द इंक्रीज़ ऑफ प्राइस इन एक्सचेंज ऑफ डिफर्ड पेमेंट, के जो कीमत किस्तों की वजह से ताखीर से टोटल रकम अदा करने की बुनियाद पर और किस्तों और इंस्टॉलमेंट्स पर ताखीर और डिफर्ड पेमेंट की वजह से जो ये रकम में इजाफ़ा हो जाता है, यानी जो एक्चुअल अमाउंट है उससे जो इजाफ़ा है, बहुत से उलमा के नज़दीक तो ये सूद है।
یعنی جو قیمت اگر 40,000 تھی اور ڈیفرڈ پیمنٹ یا انسٹالمنٹس اور تاخیر سے پیمنٹ کی وجہ سے وہ گاڑی بینک جو ہے وہ 55,000 کی دیتا ہے، تو یہ 15,000 کیا ہے؟ یہ ربا ہے، یہ سود ہے کہ بینک نے قرض دیا اور اس قرض کی واپسی کے اوپر اس نے زیادہ لے لیا، تو بہت سے علماء کے نزدیک یہ فرینکلی سود لینے اور دینے کا معاملہ ہے۔ لیکن ہمارے بینکنگ سسٹمز اس کو سود کے اس زمرے سے نکالنے کے لیے وہ اجارہ اور ملکیت کا ایک تصور جو ہے وہ بناتے ہیں اور اس کو جواز بنا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم زائد رقم لے رہے ہیں یہ محض اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ گاڑی بینک کی ملکیت ہے، بینک اس کا اونر ہے، بینک نے گاڑی خریدی ہے اور لیز پر جس نے یا قسطوں پر جس نے لی ہے اس کو بینک جب تک وہ اس کی ٹوٹل رقم ادا نہیں کرتا وہ مالک بینک اس سے اس گاڑی کو استعمال کرنے کا کرایہ وصول کرتا ہے، اور یہ گاڑی مالک کو کرائے پر چلانے کے لیے دی ہے جب تک اس کی اصل رقم جو ہے وہ ادا نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس لیے یہ رقم جو ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ یہ کرائے کی رقم ہے۔ اگر اس کو ایسے ہی سمجھ لیا جائے تو پھر اس حوالے سے یہ لازم ہوگا کہ بینک اس گاڑی کا حقیقی مالک ہوگا، اور بحیثیت مالک اس گاڑی کی ریپیئر، اس کی مینٹیننس، اس کی ویئر ٹیئر اور اس کے نقصان کو برداشت کرنا پھر بینک کے ذمے ہوگا۔ لیکن اگر آپ حقیقت حال دیکھیں تو لیزنگ پر لی جانے والی گاڑی کا اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، تو اس کو بینک برداشت نہیں کرتا بلکہ وہ شخص برداشت کرتا ہے جس نے وہ گاڑی لیز پر لی ہے۔ تو پھر بینک جو مالک بن کے کرایہ وصول کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کیسا مالک ہے جو اس کے نفع نقصان کو برداشت کرنے پر تیار نہیں؟ دوسری بات اس میں یہ شک ہے کہ اگر بینک مالک ہے تو پھر بحیثیت مالک اس کو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور دوسری بات جو ایک بہت واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے ان لیزنگ کے سسٹمز میں کہ اگر لیز پر لینے والا وہ شخص اگر اپنی رقم کی ادائیگی اور انسٹالمنٹس میں ڈیفالٹ کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے اور نہیں دیتا، تو پھر ایک مقررہ مدت کے بعد وہ گاڑی ضبط کر لی جاتی ہے، اور ضبط کرنے کے بعد اس کو نیلام کیا جاتا ہے، اور نیلام کرنے سے جو رقم وصول ہوتی ہے وہ پوری کی پوری بینک کی ملکیت ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ مالک نے اس وقت تک جو رقم ادا بھی کر دی تھی اس کو بھی اس میں سے ایگزیمٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ کیسا مالک ہے؟ یہ بینک کی ملکیت کا کیا تصور ہے جب یہ انداز اپنایا جاتا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی لیز پر گاڑی لینے والا جس نے کچھ خاص انسٹالمنٹس ایک خاص میعاد پر مقرر کی تھیں محض اس لیے کہ اس کے پاس لمسم ڈاؤن پیمنٹ کرنے کا کی جیب نہیں تھی، لیکن کچھ دیر کے بعد 2, 4, 8 مہینوں کے بعد اس کے پاس کوئی خاص اماؤنٹ آ جاتی ہے اور وہ بینک سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب میں قسطوں پر زائد دینے کی بجائے لمسم پیمنٹ کرنے پر تیار ہوں، تو بھی اس سے زائد رقم وصول کی جاتی ہے۔ اگر یہ کرایہ تھا تو ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر زائد رقم وصول کرنے کا کیا تصور ہے؟ یہ واضح طور پر سود ہے جو اس سے لیا جاتا ہے۔ تو ان چھوٹے چھوٹے اکنامک معاملات اور جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک سود کا تصور موجود ہے، اور بہرحال اس کے ساری ڈیبیٹ اور ڈسکشن کے باوجود بھی اگر لوگوں کو اس میں شبہ ہے تو پھر حدیث وہی موجود ہے کہ جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا۔ بہرحال اس کو مشتبہ سمجھ کر اس سے بچ جانا بہر کیف اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ سود کی حرمت بھی بہت واضح اور سود کی قباحت اور اس کے لینے دینے کا انجام بھی قرآن و حدیث کے حوالے سے بہت زیادہ وضاحت سے قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات بھی ضرور ہی کرنا چاہوں گی کہ جب کوئی بھی شخص لیز پر یا لونز پر کوئی گاڑی لیتا ہے تو ایکچولی وہ اپنی فیوچر
इनकम को प्रिडिक्ट करके उसको यकीनी समझकर वो गाड़ी ले लेता है। मसलन एक शख्स की प्रमोशन हो गई, उसकी तनख्वाह 1.5 लाख से बढ़ के 2-2.5 लाख हो गई, या एक शख्स जो पहले जॉबलेस था उसको जॉब मिल गया और 3 लाख की तनख्वाह उसको मिलनी शुरू हो गई, तो वो रियलाइज़ कर लेता है कि अब तो मेरा ये इकोनॉमिक स्टेटस है कि मैं हर महीने 50,000 की किस्त दे सकता हूँ, तो वाई नॉट मैं 50,000 की किस्त देकर अपनी गाड़ी को स्टेप अप क्यों ना कर लूँ और बेहतर मॉडल की और लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी क्यों ना ले लूँ। बट वी डोंट रियलाइज़ दैट इन द होल प्रोसेस वो शख्स कर क्या रहा है। वो अपनी उस फ्यूचर की इनकम को यकीनी और हतमी समझ रहा है, हालांकि कल क्या होगा, रिस्क कहां से कितना मिलेगा, ये तो गैब की कुंजियां हैं। अल्लाह ने कुरान में वाज़े तौर पर बताया है कि गैब की कुंजियां 5 हैं, ला यालमहु इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा उनको कोई नहीं जानता। कल क्या होगा, कल मौत के हवाले से क्या होगा, रिस्क किसको कहां से कितना मिलेगा, तो ये शख्स खुद से खुद इज्यूम करके प्रिडिक्ट करके कि ये तनख्वाह तो अब मुझे लगी बंदी आती ही रहेगी, ये कारोबार में मुझे मुनाफा तो होता ही रहेगा, मेरी बिजनेस और कारोबार और दुकान चल गई है, लेकिन कल अगर उसकी कंपनी उसको फायर कर देती है, या कल उसको बीमारी आ जाती है और वो कमाने पर कादिर नहीं रहता, या उसके कारोबार में खसारा घाटा या नुकसान होने लगता है और वो सारी इनकम घट जाती है, तो फिर वो एक साथ कहाँ से देगा, फिर वो इसकी किस्तें कहाँ से देगा। असल में आलिमुल गायब अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, रिस्क की कुंजियाँ उसके पास हैं। जब हम खुद से खुद और फिर तकदीर के फ़ैसले भी वही करने वाला है, ना हमें तकदीर का इल्म, ना हमें गायब का इल्म, ना हम अपने रिस्क पर खुद कादिर, तो लिहाजा जब हम फ्यूचर के बारे में एक हतमी फ़ैसला करके तकदीर को जाने बग़ैर एक हतमी फ़ैसला करके तकिया लगा के मामला कर लेते हैं, तो फिर बसा औकात क्राइसिस, इमोशनल, फिज़िकल, इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर इंसान शदीद इकोनॉमिक प्रेशर और बुहरान का शिकार हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में फिर पेमेंट का डिफ़ॉल्ट करना, उस गाड़ी को जब्त करना और फिर बकिया रकम जो है उसको भी डुबो देने का ज़रिया बन जाता है। वो एक बेहतर गाड़ी स्टेप अप करने के चक्कर में हम अपने असल ज़र और पिछली गाड़ी से भी महरूम हो जाते हैं। एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि हम अपनी जेब से एक्सीड करके, प्रिडिक्ट करके, हम अपनी जेब से एक्सीड करके खर्च करने लगते हैं। एक्चुअली हमारी किटी में, हमारी सेविंग में, हमारी जेब में वो रकम नहीं होती और हम अपनी माली ताकत और सलाहियत के बियॉन्ड खर्च करने लगते हैं। जब हम अपनी माली सलाहियतों के बियॉन्ड मुस्तकबिल को प्रिडिक्ट करके खर्च करने लगते हैं तो उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। अगर आज हम वेस्ट में देखें और अमेरिका में देखें तो शायद वहाँ की 80% पॉपुलेशन जो है वो इन इंस्टॉलमेंट्स और इन किस्तों के बोझ में धंसी, इस दलदल में धंसी हुई है और ज़िंदगी बहुत ही मुशक्क़त में काट रही है। तो इंसान को चाहिए ये कि अपनी लिमिट्स और अपने मींस में रखे, बचत करके एक चीज़ ले लेना बहुत बेहतर है बजाय इसके कि इस अंदाज़ में खर्च किया जाए। और फिर जब गाड़ी बचत करके अपने पैसे 3-4 साल बचा के ली जाएगी तो बहरहाल उसमें कीमत भी इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से कम होगी और बचत करके जोड़ जोड़ के जब एक चीज़ ली जाएगी तो उसकी कदर भी होगी। ये आज इंस्टॉलमेंट्स की गाड़ियां ही हैं जो आज हमारे ट्रैफिक के और आज हमारे माशरे में बहुत सी क्राइसिस की वजह बनते चले जा रहे हैं और हमारे माशरे का मर्द जो है वो इन इंस्टॉलमेंट्स के बोझ तले दबा हुआ है, उसकी गर्दन के अंदर मुतफर्रिक किस्म की इंस्टॉलमेंट्स का बोझ है और ये वही हालत है जो आज हमें वेस्ट में और अमेरिका में नज़र आती है। हमारे कुरान के अहकामात में हिकमत है, वो जो कहा गया मांगते फिरते हैं अग्यार से मिट्टी के चराग, अपने अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने, ये बड़े खूबसूरत अहकामात हैं जो हमारी शरीयत के हैं। अल्लाह हमें इनकी हदूद और कयूद में रहकर तकासुर से, हिरस से, हवस से, तमा से, लालच से, इसराफ से, तबजीर से बच के अपनी जेब के मुताबिक तवक्कुल और कनात से, सूद और हुरमतों से बच के हदूदुल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएं।